मैं आज की पंचायत के अध्यक्ष जी से अनुमति मांगना चाहूंगी बोलने की। अध्यक्ष जी, क्या मैं बोल सकती हूँ? धन्यवाद। सम्मानित पंचायत और विभिन्न खापों से आए हुए मेरे बड़े बुजुर्ग खाप प्रधान किसान सरदारी, वह मेरे सामने बैठे हुए मेरे सारे बड़े बुजुर्ग, मेरे दादा चाचा ताऊ भाई बहन, मेरी ताई चाची दादी, सारे हाथ जोड़ के राम राम जी। आज हम इकट्ठे हुए हैं अपने पहलवाना के सम्मान में उनका साथ देने खातर। आपने पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होने लग रहा है इस समय, किस तरीके से बेटी जो महिला हमारी इज्जत है, हमारी बाण बेटी रोड़ा पे खड़ी है, आम रोड़ा पे काट दिए है इस सरकार ने। पहले किसान निकाला, 13 महीने बिठाए, फिर आज नौजवान काटा, स्टूडेंट काटा, आखिरी में महिला बच रही थी, हम भी नहीं छोड़े, हम तक काट दिए। आपने याद होगा, आज तक लगभग 1.5 महीना पहले आपने एक इसी पंचायत और करी थी जिंदगी धरती पे। वो क्यों करी थी? आपने ये भी बात पता होगी कि इस प्रदेश के खेल मंत्री ने, जो एक खेल मंत्री है जिसको हम छेड़छाड़ मंत्री भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस छेड़छाड़ मंत्री ने हमारी एक बाण जो महिला कोच है उसके साथ क्या करा था, बंद कमरे में किस तरीके से उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी, आपको याद होगा। आड़े 19 मार्च की वह पंचायत थी, आप सारे इकट्ठे हुए थे। आज दोबारा एक ही से विषय पर आज आप इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं यह बात पूछना चाहूं, मेरी सारी सरदारी उरे बैठी है, 19 मार्च ने मेरे तक एक बात कही थी कि बेटे ई पंचायत तन्ने नहीं करनी पड़ेगी, ई पंचायत हम करेंगे, तू अगली पंचायत मत करिए। मैं जी सरदारी तक हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि जो आपने कही थी उस बात का भी आप संज्ञान लो, उस बात में भी आप आगे उठाओ, क्योंकि यही सरदारी वहां भी थी, यही आज यहाँ है। इसलिए मैं उन तार जोड़ के विनती करूँ कि आपने कहा था कि अगली पंचायत अब आप खुद करेंगे, तो आप अगली पंचायत की मारे भी बताओ कि किस तरीके था हमारे इस बात ने रूपरेखा ने तय करे। आज हम जंतर मंतर पे बैठी है, वो भी छोरी है, वो लड़की है जिसने देश का पूरी दुनिया में नाम रोशन करया है। एक भाई क्या था, मोदी खुद मीडिया बड़ा बड़ा डाल रहा था, आज वही मोदी गूंगा हो गया, आज उसको शब्द नहीं मिल रहे हैं हमारी बेटियों के लिए कुछ बोलने के लिए। लेकिन कितनी पंचायतें करेंगे हम, कितनी जगह बैठेंगे हम? 4 दिन पहले 21 तारीख ने मैम में पंचायत थी, अब किसान सम्मेलन था, कल ही था, आज हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। कब तक हम ऐसे ही इकट्ठे होते रहेंगे? इकट्ठे मिलके क्यों नहीं हम दिल्ली की तरफ बढ़ते, क्यों नहीं हम दिल्ली कूच करते? मैं एक बात कहूं जी, 28 तारीख ने आपे सारे दिल्ली महिला संसद करने वाले हैं, मैं सारा समाज मेरा बैठा है, सारी मेरी किसान और खाप की सरदारी बैठी है, आज आप सब लोगों के सामने कहूं हूं, मैं कल बास टोल पे थे दिल्ली कूच की तैयारी करूं हूं, मैं करूंगी, मैं चालूंगी गल्ले, मेरे पे 500 लुगाई पुकियो, मेरे पे 1000 लुगाई पुकियो, मैं लेकर चालूंगी और मेरा गल्ले लागो। आज क्यों मैं चालू हूं भाई, छोटा कर दूंगी, 2 मिनट दे दे, बात मारिए। आज चालन की ज्यादा जरूरत पड़गी, हमने बहुत मसा मसा थोड़ी सी आजादी दी थी मारे थे, चलन लगे थे, काम करन लगे थे, हम दोबारा घर में बढ़न लग गए, गलती मारी नहीं है और घर में भी हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम इज्जत जीन लग रहे। मैं बार बार यह बात कहूँ, इज्जत जीने का हक हमारा है और हम जीन लग रहे हैं, और अब अगर इज्जत के लिए लड़ना पड़ा, मरना पड़ा, तो हम लड़ेंगे भी, हम मरेंगे भी। और मैं कल बास से दिल्ली के लिए रवाना होंगी, हम पैदल मार्च करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है तारी बेटी बात ठीक कह रही है, मेरे गले साथ चल के मेरा साथ दियो। धन्यवाद। धन्यवाद बेटी सोनिया।